द्वापर युग की बात है माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा हे hey कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता और पोषक हो आज मुझे तुम ऐसे एक व्रत को कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे hey माँ आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को बत्तीस पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और उनकी संतानों की रक्षा होती है यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है तब यशोदा जी कहती हैं, हे hey कृष्ण सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काथिका नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था उसकी स्त्री सुशीला अत्यंत ही रूपवती थी दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास किया करते थे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी उनको एक बड़ा दुख था उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी इस दुख से वे अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय की बात है एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था उस योगी ने रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य दूसरे घरों से भिक्षा लेकर भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर प्रेम से खाना शुरू किया तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहते हैं हे hey, महात्मन आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते इसका क्या कारण है तब योगी ने कहा निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है क्योंकि तुम निसंतान हो और तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में पड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों पर गिर पड़ा और आतुर भाव से कहने लगा हे महाराज ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए आप सब कुछ जानने वाले हैं आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करें धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं लेकिन पुत्र यानी संतान न होने से मैं बहुत दुखी हूँ आप मेरे दुख का हरण कर लीजिए, आप तो सामर्थ्यवान हैं। तब योगी यह बात सुनकर कहने लगे हे hey ब्राह्मण तुम चंडी देवी की आराधना करो तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया वहां पर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास भी किया देवी चंडी ने सोलवे दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा हे hey धनेश्वर जा तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु वाला हो जाएगा जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष तुम्हें दिखाई देगा तुम उस पर जड़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर को चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना नान के बाद वह स्वच्छ होने के बाद शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से उसको पुत्र पैदा होगा। जब ब्राह्मण उठा, तो उसने उस स्थान के पास एक आम का पेड़ देखा जिस पर बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा थखार कर वह भगवान गणेश की वंदना करने लगा इस प्रकार भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया देवी की असीम कृपा से उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसने उसका नाम देवीदास रखा बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने बत्तीस पूर्णमासी के व्रत रखने शुरू कर दिए जिससे कि बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए सोलवा साल लगते ही देवी दास के पिता को बहुत चिंता हो गई कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल नहीं हो जाए इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा देवीदास एक वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला नहीं छोड़ना इसके साथ तुम चले जाओ और एक वर्ष के बाद इसको वापस लौटा कर ले आना तब सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठा कर मामा के साथ भेज दिया किंतु यह बात उसके मामा या किसी को भी पता नहीं थी धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया इस प्रकार उन्होंने बत्तीस पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया एक दिन मामा भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था जहां बारात रुकी हुई थी वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे थे इसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह को कर लिया और उसे अपना पति मान लिया और उससे ही विवाह करने के लिए कहा लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है इस लड़की ने कहा जो गति आपकी होगी वही मेरी भी होगी हे स्वामी आप उठिए और भोजन कर लीजिए इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को तीन नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो जब मेरा प्राण अंत होगा तो यह फूल सूख जाएंगे ये फिर से हरे भरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूं भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के बाद पास आता है देवीदास के डसने का प्रयत्न करता है लेकिन व्रत राज के प्रभाव से वह देवीदास को डस नहीं पाता क्योंकि उसकी माता ने पहले ही बत्तीस पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे इसके बाद काल स्वयं वहां आता है और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करता है जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां पर आए हुए थे माता पार्वती ने शंकर जी से कहा इसकी माता ने बत्तीस पूर्णमासियों का व्रत किया है अब आप इसे प्राण दान दें इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राणदान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ता है देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया उधर उसकी स्त्री ने काल की प्रतीक्षा की जब उसने देखा कि पुष्प पाटिका के पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ लेकिन वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसका पति जीवित है उसे कुछ भी नहीं हुआ यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहती है पिताजी मेरे पति जीवित हैं आप उनका पता लगाओ सोलवा साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल देता है उधर उसके ससुर घर से उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे लेकिन वे मामा भांजे खुद ही वहां पहुंच जाते हैं ससुर उनको अपने घर ले जाते हैं और नगर निवासी वहां पर एकत्र हो जाते हैं उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर नगर की ओर चल देता है जब वह गांव के निकट आया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को खबर दे दी तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है ऐसा सुनकर उसके माता-पिता बहुत ही खुश हुए पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा इस दिन किए गए दान का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है इस पावन दिन पर व्रत करने से और इसकी व्रत कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है मृत्यु के बाद वैकुंठ लोग में स्थान मिलता है हरि कृष्णा राधी राधी